हेलो राधे राधे भाई, सभी को मेरा प्यार भरा बबीता ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आज है भाई हमारी सासू माँ का श्राद्ध, तो नकोल अभी कर रहे हैं साफ, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है आज हमारा, क्योंकि इसके पापा भी ड्यूटी से आए हैं तो अभी वे भी नहाए हैं, अच्छे से टिक्का भी लगा, और तन्नू ने भी आज ज्योत बत्ती का भी कर लिया, ठाकुर जी की तन्नू ने कर दी है, और अच्छे से। और भाई आप लोग भी अपने देवी देवताओं को, पितर नहीं है हमारे देवी देवता हैं, और अच्छे से इनकी तस्वीरों को साफ करके गंगा जल से, और टिक्का विक्का लगा के, माला पहना के, और अब इनको भोग लगाएंगे, और फिर अच्छे से पढ़ा दें। ठीक है भाई, फिर हम दे के आएंगे ब्राह्मणों को। और ये देखिए भाई, मैंने बंद कर दिया। तो ये देखो भाई, मैंने बनाई है ये खीर, और अभी उतारूंगी मैं पूरियां। मैंने आटा लगा के रख दिया है, और खाने में मैंने बनाया है ये पनीर की सब्जी, मटर नहीं है, बस खाली पनीर है, और ये बनाया है मैंने बिना लहसुन प्याज का पिट्ठा, और अभी बनाऊंगी पूरियां, और हाँ हलवा भी दिखा दी। ये देखो भाई, पता नहीं कैसा बना होगा हलवा, तो मेरी माँ और मेरी ननद बहुत अच्छा बना हुआ है, ये देखो, और इसकी ताई भी अच्छा बना लेती है हलवा, मेरा ही हलवा पता, कोशिश तो करा करो भाई, मैं काफ़ी हलवे इन्ना अच्छा सा बनाने की, बाकी मेरे को इन सब का योरों का हलवा बहुत पसंद है। तो ठीक है भाई, मैं बना कर लेती हूँ अभी पूरियों की तैयारी, फिर मैं निकालूँगी शराब। तो मेरी हो चुकी है पूरी तैयारी, और अब मैं जा रही हूँ पंडित को देने, देखती हूँ भाई जहाँ पर भी मतलब जोड़े से, अब वैसे एक बुढ़िया आती थी हमारे, अब वो काफ़ी बुढ़िया हो चुकी है, पता भी नहीं है, और वो कहाँ पर रहने लगी है, तो नहीं तो मैं घर पर ही जिमाती थी, लेकिन अब हमारे पंडितों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है भाई, कोई आता नहीं है, तो इसलिए अब जाऊँगी, या तो इसके पापा ले कर जाऊँगी, या नकुल को ले कर जाऊँगी। मैं एक सूट और पैंट वूशर्ट भी दिया करूँ इसकी दादी के नाम का, वो हो चुका है मेरा खाना पूरा अच्छे से तैयार। ये देखिए, तो मैं जा रही हूँ अभी खाना देने के लिए पंडित जी को। ऐसे तस्वीर को लगाने की जरूरत, बस अब मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए, और देखो हमने अभी भोग के लिए भी भोग भी लगा दिया है इनको, सासू माँ जी को हमारी को, क्योंकि तस्वीर को कभी भी मुख पे लगाना चाहिए, सिर्फ उनकी दृष्टि पड़ जाए तो समझ लो भोग लग चुका है, ऐसे भगवानों पे, ऐसे देवी देवताओं पे। तो चलो मैं जा रही हूँ, तो अभी तो अभी अभी आई हूँ भाई मैं पंडित के से खाना वगैरह दे के, और हम गए थे खाटू श्याम मंदिर है यहाँ पे बहुत अच्छा सेक्टरों में, और मैं और इसके पापा बाइक पे गए थे, और वहाँ पे मैं कैमरा इसलिए नहीं ले जा पाई क्योंकि वहाँ कैसे लेके जाती, एक हाथ में मेरे थैली थी, एक हाथ में थाली थी, तो वहाँ की वीडियो मैं अच्छे से तन्नू के साथ और एकादशी वाले दिन जाऊँगी, तो मैं वहाँ की पूरी वीडियो अच्छे से बना के लाऊँगी, और खाटू श्याम जी के भी दर्शन करके आए हम दोनों, तो बहुत अच्छे खाटू श्याम जी हैं, कति साक्षात प्रकट हो रखे हैं, तो जरूर वीडियो बना के लाऊंगी वहाँ की मैं, और ये खाऊंगी। ये देखो, देखे गोच मचा दिया दोनों बहन भाइया ने, उन्होंने कहा भी मारे गल खा लो इससे में, ये दोनों बहन भाई अभी खाने लग रहे हैं खाना, और तन्नू की देखते हैं आज जो कपड़ों की जो हो रही है हड़ताल, वो आज भी नहीं निमटी है भाई, नुए गिर रखे इसने, और तन्नू कह रही है जब तक इसके कपड़े अच्छे से नहीं तय होंगे तो मैं अपनी हड़ताल नहीं छोड़ूंगी, तू नू करिए पड़े रहने दे, इसके पड़े नहीं, तू नू करिए अपनी अलग, तो एक अलमारी ले आइए, मैंने कहूँ तू अपनी एक अलमारी लिया अलग से, और वो अलमारी है आ जाऊगी 300 या 400 तक की आ जाऊगी, मतलब छोटी सी प्लास्टिक की, इतनी जो टोकरी सी होया करे उसमें ठाका मखा ठूस दिए अपने किराएदार की क्या बात है इसमें, अरना तो वो जूते वाली नहीं है, इसने वो अलमारी दे दी बाहर गद्दा घेर देंगे, अरे अपने यहाँ उड़ रहा है, लेकिन इसकी अगर हड़ताल नहीं हो रही तो चलो, तो भाई मैं खा लेती हूँ खाना, और थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। गरुड़ पुराण अगर आपके घर में है तो
ठीक है, अगर नहीं है तो उसे लेके आ जाना। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 60-70 रुपए तक की भी नहीं होगी। और मैं तो पिछले साल ही ले आई थी भाई। और घर में गरुड़ पुराण पढ़ना बहुत ही अच्छा हुआ है, मैंने बार बार यही कह रही हूँ मैं। गरुड़ पुराण या फिर गीता का अध्याय आप जरूर पढ़ो। अगर आपको सुबह टाइम नहीं लगता तो दोपहर को पढ़ो, दोपहर को नहीं लगता तो शाम को पढ़ो, शाम को भी नहीं लगता तो चाहे रात के 9 बजे पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। आपके पितरों के लिए भी और घर में सुख शांति के लिए भी ये सबसे अच्छा उपाय है। आप लोगों के लिए मानो तो भाई आपकी मर्ज़ी, ना मानो तो वो भी आप ही की मर्ज़ी है। ठीक है, लाओगे तो आपकी अच्छी बात है, क्योंकि देखो हमारे पितरों में हमारे पितर जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं जब आप भजन कीर्तन सत्संग जो भी करते हो। और उन्हें सबसे ज़्यादा है कि मेन आप अपने पितरों को हमेशा, ये नहीं कि अभी ये 15-16 दिन के श्राद्ध है इसीलिए नहीं, हमेशा ही उनकी चर्चा उनकी बातें अपने बच्चों को बताया करो, ताकि आगे आपके बच्चे भी संस्कारी बने और आपके बच्चे भी ऐसे निकाले श्राद्ध करना शुरू करें। क्योंकि आज के बच्चों को वही बात है, नहीं बताओगे तो फिर आगे वो कभी निकालेंगे नहीं, ये जान ही नहीं पाएंगे कि श्राद्ध नाम की चीज़ ही क्या है। क्योंकि बच्चों को बता देना बहुत अच्छी बात है उनके दादा के लिए, जो भी मतलब आपके परिवारजन जा चुके हैं उन सब के लिए आप अपने बच्चों को जरूर बताया करो। और मैं तो भाई पढ़ा करो जरूर, मैं तन्नू पढ़ के सुना देवे है। और ऐसे ही ऐसी गरुड़ पुराण मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके है ना, आपकी जो आँखें हैं ना वो बिल्कुल खुल जाएंगी। उसमें ऐसे ऐसे राज और ऐसी ऐसी बातें बता रखी है ना, वो भी हकीकत हैं। उनमें कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो झूठ है। गीता हो, रामायण हो, भगवत गीता हो, कोई भी ग्रंथ हो, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वो झूठ है। तो आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि गुरु पुराण ऐसी बहुत अच्छी चीज़ है पढ़ोगे तो, और आप पाप से भी बच जाओगे गुरु पुराण पढ़ने से। तो ठीक है भाई, गरुड़ पुराण जरूर पढ़ा करो। तो भैया अभी अभी मैंने खाया है खाना, और अभी मैं पीऊँगी थोड़ी सी चाय, क्योंकि खाना खाने के बाद पूरी खाई है ना तो पूरी उसे पेट अजीब सा हो जावा है। तो आप लोगों का भी अगर पूरी वगैरह सेकती हो तो एक कप चाय या कॉफ़ी पी लिया करो, वो ठीक रहता है। फिर पूरियाँ मतलब सेकती नहीं है। और तनु मेरी चाय गर्म करके ला दे थोड़ी सी। और देखो ये बेचारी के तन्नु खड़ी है हड़ताल करके, ये देखो इसके कपड़े हैं, और दिखाइए एक बारी। तो भाई इन दोनों बाण भैया तो मैं तो कति दुखी, ठीक है, मन ने भी कति इन तो ज़्यादा मैं हड़ताल करके बैठे हूँ हैं। ये तन्नु की देखते हैं कब तक, कितने इसने काल परसों करी थी हड़ताल अपनी, परसों ऐसे ही बगा के मारे इस छोरे के कपड़े, यानू गरी भी ऐसे ही रखे रहेंगे। और इसकी एक बारी अलमारी दिखाई तनु खोल कर, अरे असल में ऐसा ही ये करा भाई इसने ना, इतनी बारी कम दबी कम 2-3 बारी बेचारी ने सफाई कर लिया, इतनी सुथरी संगवा देगी अलमारी ने। अरे ये सा ना हमारा घोड़ा, जो नीचे तो एक चीज़ निकालागा, चाहे बलियान निकालो चाहे कुछ भी निकालो, और ऊपर तो जितने एक बारी कपड़े गिर गए तो उल्टा उन्न तय ना करे, उन्होंने ठोक देगा जो करता कुछ रुई की डाल ठोक दिया करे। अरे इसकी आदत थोड़ी छोरे की भाई यह है, तो यह भी के करे। खैर देखते हैं आप तन्नु की तरफ हो या नकुल की तरफ हो, कमेंट में जरूर बताना सारे किसकी गलती है। हाँ एक बार इस छोरे की भी अलमारी दिखाऊं, देखो मैं आप लोगों ने ये देखो भाई इसकी, देखो इसकी अलमारी, देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ, देखो इतनी सुथरी संगवाई थी, सिर्फ इसके कपड़े पड़े हैं ये तो है। तो एक बात यूँ थोड़ी है कि भाई सिर्फ छोरी छोरी सारे काम कराएगी, अरे खा कर पूरी आराम तो सुन लग रहा है, क्योंकि आज सुबह यदि आया था अपनी क्लास। तो भाई जरूर बताइयो आप लोग भी किस भाई मैंने खाया है खाना, और मेरा चढ़ गया भंगेड़ा पूरियों से बहुत ज़्यादा। और देखो ये सूट मैंने निकाल कर रख रखे हैं, सोच रही हूँ इन सूटों ने भी खोल लूँ। वैसे मैं देखो बिल्कुल मोटी तो मैंने तो लगता नहीं कि मैं घर से मोटी हुई, लेकिन ये सारे सूट मेरे टाइट हो गए, इनका बेचारा का नंबर भी नहीं आता पहनने का, ये सारे सूट टाइट हो चुके हैं मेरे। और काफ़ी और अभी तो सर्दी हो गई तो मैं निकालूंगी, अभी तो 2-3 सूट निकाले मैंने और बहुत सारे हैं जो कि मैंने अपने खोलने हैं। तो देखो भाई इन्हें मैं करूँगी सारे, नए के नए पड़े हैं कित गेरा भाई पैर ना ये बताओ, या तो कह दिया बालक और सिलवा लो छोड़ दो इन्हें मैं करना, मत इन्ना खोल कर जब पैरूँगी सारे नए के नए सूट है भाई, थोड़े टाइट हो गए लगता है मैं मोटी हो गई, क्योंकि भटूरे खा जाऊँ 2-3 में 4-4 खा जाऊँ, बहुत खाऊँ मैं, बहुत पहले से मैं बहुत मोटी हो गई।
इसलिए सूट टाइट हो गए मेरे, तो मैं पी लूँ भाई थोड़ी चाह। लेकिन तन्नू के लिए आप लोगों ने जरूर कमेंट में बताना है। और एक बारी लास्ट मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये मेरे सास ससुर, जो कि मेरी सास का आज था श्राद्ध, लेकिन ससुर जी का अगली बार दिखा दूँगी, क्योंकि अभी इनको सातवां महीना लगे हैं अभी, तो पहला श्राद्ध निकलता नहीं है, अगली बार इन दोनों का दो चुका ही पड़ेगा। और तो ठीक है भाई, आज मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पर ख़त्म। तो खुश रहना, मस्त रहना, और कमेंट का भाई ज़रूर बताइए, तन्नू के साथ हो या घनकुल के साथ हो, ताकि इसकी बेचारी की हड़ताल थोड़ी सी बंद हो जाए। ठीक है, बाय बाय, राधे।